हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और सीडी डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आज, वो हमें जो मुख्य मुख्य थे वो पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपके लिए है जो बहुत अच्छी अच्छी मोस्ट मोस्ट जो है कंप्यूटर की क्विज है जो हर रोज़ लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीवीडी का एक उदाहरण है कौन सा है? संगणक युक्ति है या संग्रहण युक्ति है या और वो दोनों है, इनमें से कौन सा सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर देवे। जिन्हें पता है सही उत्तर वो है जो यहाँ पर सही उत्तर जरूर देवे। दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जो है वो है संग्रहण। बी ऑप्शन सही उत्तर है। कौन सा? बी, संग्रहण युक्ति सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, क्या उत्तर है इसका? किसी संग्रहण माध्यम के वृत्त के उस अंश का क्या नाम है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं? जी हाँ, ट्रैक है या सेक्टर है या सिलेंडर है या स्पाइरल है? जी हाँ, जिनका उत्तर सी ऑप्शन आया है वो बिल्कुल सही है। सिलेंडर यहाँ पर है जो सही ऑप्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन ये है कि सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? यूनिक्स, डॉस और सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जी हाँ, जल्दी उत्तर देवे जिन्हें पता हो। सेल वहाँ पर कौन सा सेल? ये ठीक है, यहाँ पर जो सेल एकमात्र किसकी विशेषता है, जल्दी बताएं जिन्हें पता है। बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? यूनिक्स है जो यहाँ पर एक इसकी है जो विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? जी हाँ, उत्तर यहाँ पर देखिए, संग्रहण युक्ति कौन कौन सी है? हार्ड डिस्क संग्रहण युक्ति है, CPU, CRW और फ्लॉपी। हार्ड डिस्क देखिए संग्रहण युक्ति है और CDRW ये भी संग्रहण युक्ति है। अब देखिए फ्लॉपी भी संग्रहण जो है युक्ति है और CPU है जो नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? जो सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को क्या कहा जाता है? पीसी में संचार संभव हेतु जोड़ने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर है जो कहा जाता है बस लाइन। कौन सा? बस लाइन कहा जाता है। ए है जो सही उत्तर है। दोस्तों, ये जो क्विज है आपके पटवार, रीट और पुलिस भर्ती परीक्षा में काम आने वाली है। ज़रूर है जो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन ये है कि CPU की गति मापी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर है जो HZ और GHZ ये है जो इसके द्वारा है जो मापी जाती है। ऑप्शन है जो सही उत्तर है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है QWERT का प्रयोग है जो किस संदर्भ में किया जाता है? स्क्रीन लेआउट के संदर्भ में, माउस बटन या कीबोर्ड लेआउट या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, बिल्कुल कीबोर्ड है जो सही उत्तर है। कीबोर्ड के संदर्भ में जो ये उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के अंदर आप देखते होंगे कि सबसे फर्स्ट जो लाइन है फंक्शन की के नीचे वाली लाइन, F1 से F12 के नीचे वाली लाइन जो है, उस लाइन में QWERT सीरियल वाइज है जो वर्ड है जो लिख रखे हैं। ठीक है, आप टाइपिंग करते हैं तो आपको पता होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? फ्लॉपी, DVD, CD-ROM या फिर CDRW? जी हाँ, बिल्कुल जल्दी उत्तर देवे जिन्हें पता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका वो होगा बी ऑप्शन। बी कौन सा? DVD। ये जो इनमें से कौन सी, मतलब DVD है जो संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करती है या रखती है। चलिए आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन के लिए दबाई जाती है?
यहाँ पर उत्तर देना है आपको। ये शॉर्टकट कीज़ का यहाँ पर है जो क्वेश्चन आ चुका है जी। निम्नलिखित में से कौन सी कीज़ वर्तमान चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? और सही उत्तर जो है वो है अल्ट प्लस टैब। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा द। चलिए आगे क्या है। निम्न में से कौन से करैक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करने समय नहीं किया जाता? जी हाँ, इनमें से कौन से करैक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता? जी हाँ बिल्कुल, डी उत्तर है जो सही उत्तर है। तो कौन सा है ये है जो इसका डी उत्तर? उपरोक्त सभी है जो सही है, उपरोक्त सभी द ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? जी हाँ दोस्तों, विंडोज है या डॉस है या रेडी है या विनजिप है? दोस्तों बिल्कुल अ ऑप्शन है जो सही उत्तर है, विनजिप है जो सही है। चलिए क्या है नेक्स्ट। विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था है, क्या है विंडोज में जो पावर सेविंग की अवस्था वो क्या है? लॉग ऑफ है, स्लीप है, रिस्टार्ट है या लॉक है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? स्लीप होगा, वह स्लीप है जो कभी कभी आप जब काम करते हैं और काम करते वक्त रेस्ट करते हैं या 2 मिनट का होल्ड करते हैं तो पावर सेविंग की अवस्था हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वो है जो मॉनिटर स्लीपिंग में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है। संक्षिप्त रूप फैट का विस्तारित रूप क्या है? फैट का विस्तारित रूप क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, जल्दी उत्तर देवे। ऑप्शन सही उत्तर है फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों इसके लिए फुल फॉर्म के लिए पूर्ण रूप के लिए अपन 2 वीडियो लेकर आएंगे, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, तो वो देखना ना भूले, वो भी जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती? बूटिंग, थ्रेडिंग, मल्टीग्रेडिंग या मल्टीटास्किंग? जी हाँ जल्दी जवाब देवे जिन्हें पता है। और मल्टीटास्किंग यहाँ पर है जो उत्तर है जो सही है, द ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? निम्न में से कौन सी एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, वर्क्स और वर्ड प्रोसेसर? ऑपरेटिंग प्रणाली कौन सी नहीं है दोस्तों? लिनक्स ऑप्टिकल प्रणाली है, विंडोज ऑप्टिकल प्रणाली है और OS X ये भी ऑप्टिकल प्रणाली है। वर्ड प्रोसेसर है जो ये एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो सही उत्तर है, कौन सा? द है जो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, अब यहाँ पर आपको उत्तर देना है, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? MS Excel होगा सही उत्तर, द ऑप्शन है जो ये उदाहरण नहीं है यूटिलिटी का। वायरस स्कैनर है, डिस्क डिफ्रेगमेंट्स है, डिस्क क्लीनअप है, ये एक्सेल है जो नहीं है, ये है जो MS ऑफिस का भाग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है, संगणक, नोटपैड, एड्रेस पुस्तिका और पेंट? जी हाँ, यहाँ पर आपको उत्तर देना है, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, नोटपैड है जो सही उत्तर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन कुंजी दोस्तों किसे कहते हैं? 1 से F1 से F12 तक, वो हमने फर्स्ट वीडियो में जो चर्चा की थी। अब नेविगेशन की कहते हैं या फिर टाइपराइटर कीज कहते हैं या स्पेशल पर्पज कीज कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, नेविगेशन कीज कहा जाता है, बी ऑप्शन है जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर। जी हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए रन कमांड है, ये किसके लिए है? यहाँ पर आपको उत्तर देना है,
MSINFO, ये ऑप्शन है जो 32, ये सही उत्तर है। जी हाँ, ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? अस्थिर प्रकृति की जो मेमोरी है वो इसमें से कौन सी है? रैम, रोम, प्रोम या फिर ईपीरोम? बिल्कुल सही उत्तर है, ये ऑप्शन सही है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कहते हैं फुल फॉर्म के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन, स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, किस फोल्डर से या किस सेंटर से कहाँ से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, जिनका है विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स ऑप्शन है जो सही है, जिन्होंने किया है। चलिए, निम्न में ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? स्कैनर, ड्राइवर, वायरस या एमएस वर्ड? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, इनमें से सॉफ्टवेयर का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल स ऑप्शन है जो सही उत्तर है, ये है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, ये डिवाइस के अंतर्गत है जो आता है, डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, आइकन और टास्क बार शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, जल्दी देवे, जिन्हें पता है विंडोज 10 का क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, आइकन और टास्क बार शामिल है। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा डेस्कटॉप, सी ऑप्शन सही है, स ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन। विंडोज 10 में कंप्यूटर पर प्रत्येक सेटिंग तक पूर्ण पहुंच कौन से उपयोगकर्ता अकाउंट करता है, रखता है? स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर एवं एंड और जनरल? यहाँ पर है जो सही उत्तर आपको देना है, सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटर, ब ऑप्शन है जो सही है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन। मदरबोर्ड का उदाहरण है, मदरबोर्ड इनपुट है, आउटपुट है या प्रसंस्करण है या फिर उपरोक्त में से सभी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रसंस्करण डिवाइस है मदरबोर्ड, कैसा डिवाइस है, प्रसंस्करण डिवाइस, यहाँ पर स है जो सही उत्तर है। ठीक है, ना तो ये इनपुट है ना आउटपुट है, ये प्रसंस्करण डिवाइस है। चलिए दोस्तों, आज की क्विज है जो पूरी हुई, 25 नंबर की जो अपन ने आज क्विज पढ़ी है। आपको यदि क्विज अच्छी लगी और आपके एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदेमंद लगी तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अपने चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर है जो विजिट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।